हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू वीडियोज ऑफ योर लेसन एक्सप्लेनेशन एंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस. प्लीज डोंट स्किप एनी एक्सप्लेनेशन एंड गो ऑन वर्किंग विद ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. नाउ In our social studies subject, we already started with our lesson number one of history, that is the rise of British rule in India. And I think I already uploaded three videos. So today is the fourth video from this lesson itself. In my last video, we discussed about four governor generals. First one is Warren Hastings, second one is Cornwallis, third one is Sir John Shore, fourth one is Wellesley, right? And Wellesley finally declared one scheme to be introduced in India, and that was subsidiary alliance system, which earlier people of India thought it is very good scheme and it is very helpful for people of India. But later on that scheme was declared as a sweet poison. धीरे धीरे जैसे पता चलने लगा तो लोगों को पता चला कि ये स्कीम तो एक तरह से स्वीट पॉइजन है लोगों के लिए. बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी एरियाज वेलेस्ली अपने रूल के अंडर ले चुका था. ओके, नाउ आफ्टर वेलेस्ली हास्टिंग केम टू इंडिया एंड गवर्नर जनरल. तो वेलेस्ली वॉज द फोर्थ वन, नाउ केम द फिफ्थ वन हास्टिंग. तो हास्टिंग गवर्नर जनरल इंडिया का अपॉइंट हुआ वेलेस्ली के बाद. ही वेस्ट अ वॉर विद नेपाल एंड मेड द गुरखाज टू जॉइन द आर्मी. ही मेड नेपाली पीपल टू जॉइन द ब्रिटिश आर्मी. एंड Hastings fought a battle with the Pindaras and took control over them. So Hastings even fought a battle with Pindaras. Okay, Pindaras is also one community. उस वक्त जो रह रहे होंगे नेपाल में भी उसने हमला किया, वहाँ के लोगों को अपनी आर्मी में ज्वाइंट होने को फोर्स किया. एंड देन उसने पिंडारास पे भी हमला किया. एंड देन विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश. तो मराठास के साथ भी वॉर किया. मराठास के साथ पहले किसने वॉर किया था? दैट इज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने, राइट? ओके, नो, मराठास के साथ पहले वॉर किया था वॉरन हास्टिंग ने. वॉरन हास्टिंग ने फर्स्ट वॉर किया था मराठास पर. लेकिन फिफ्थ गवर्नर जनरल हास्टिंग जब वर्क कर रहा था उसने भी मराठास पर फाइनली वॉर किया. दैट इज़ थर्ड वॉर ऑन मराठास. एंड देन फाइनली कंपनी वॉज एबल टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन मराठास एरियाज एज वेल. इन कंपेरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल. बेंटिक बिलीव्ड दैट द डिससेटिस्फैक्शन इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल कुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी यूनिटी. सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स. ओके, सो नाउ हु केम आफ्टर हास्टिंग? आफ्टर हास्टिंग हु केम? दैट इज विलियम बेंटिक. ओके, अब विलियम बेंटिक जो थे वो थोड़े लिबरल थे. वो थोड़ा जो उनका काम करने का तरीका था वो थोड़ा पोलाइट तरीका था. एंड पीपल वर एग्री टू वर्क विद हिम, राइट? तो वो इसलिए वो थोड़ा लिबरल था क्योंकि उसको लगता था कि जो मुझसे पहले गवर्नर जनरल आए हैं दे हैव डन सो मच रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपल ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से एक तरह का डर बैठ गया है ब्रिटिशर्स का लोगों में. सो वो डर निकालने के लिए बेंटिक बिकेम लिटल लिबरल. ओके, देन नाउ आफ्टर बेंटिक
डलहौसी केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन 1884. तो डलहौसी आया, डलहौसी 1884 में एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए इंडिया में. ही वॉज अ फियर्स इम्पेरियलिस्ट. डलहौसी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया, दैट इज रूल. वो पूरी वो कहीं ना कहीं ही वॉज प्रूव्ड टू बी गुड फॉर इंडिया. ओके, वेन डलहौसी केम इन 1884, लाइक जनरल वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अडॉप्ट किया था, उसी तरह से डलहौसी ने भी एक पॉलिसी बनाई, दैट इज़ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. अब एनेक्सेशन की पॉलिसी क्या थी? एनेक्सेशन की पॉलिसी एक्चुअली इट वॉज दैट के इफ पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी किंग नहीं रहता, फॉर एग्ज़ाम्पल यू ऑल माइट हैव सीन मूवी ऑफ मणिकर्णिका, दैट इज़ झांसी की रानी, राइट. अब झांसी की रानी में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जो कोई बेटा नहीं था और उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ बेटा था, लेकिन उस वक्त डलहौसी ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर किसी राज्य का किंग मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, और वो किंग दूसरे किसी को मतलब राजा नहीं डिक्लेयर करता, तो फिर ऑटोमेटिकली वो राज्य पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा. ओके, किंग के बाद ऑब्वियसली एक जो हेरिडिटरी सिस्टम चल रहा था, दैट इज़ मतलब राजा जो है बाद में उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बन सकता, इट वॉज लाइक दैट. अब जब झांसी का किंग एक्सपायर हुआ, जब झांसी के राजा डाई हुए, तो आफ्टर दैट देयर वॉज नो वन टू टेक प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द होल किंगडम. ओके, नो डाउट मणिकर्णिका वॉज वेरी ब्रेव लेडी टू टेक कंट्रोल ऑन झांसी एंड शी फॉट विद ब्रिटिशर्स वेरी ब्रेवली, बट ब्रिटिशर्स वर ऑन देयर स्टैंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन दैट एज देयर इज नो राजा अपॉइंटेड इन झांसी, तो झांसी शुड बी अंडर ब्रिटिशर्स नाउ. ओके, तो कई एरियाज डलहौसी ने वॉर करके अपने अंडर लिए, कई एरियाज़ में अगर कोई राजा एक्सपायर हो जाते हैं और फिर राज्य को संभालने के लिए कोई राजा अपॉइंट नहीं होता, तो वो सारे एरियाज़ भी उन्होंने अपने अंडर लिए. कई एरियाज़ में मिसमैनेजमेंट चल रहा था, दैट इज़ राजाज़ वर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, तो वो एरियाज़ भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएंगे. कई एरियाज़ थे प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, दैट इज़ निज़ाम के प्रोविंसेस के ऊपर कुछ कर्जा हुआ होगा, तो वो कर्ज चुकाने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको हेल्प किया, तो ऑटोमेटिकली निज़ाम्स के प्रोविंसेस भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए. एंड कई एरियाज़ में जो सिर्फ नाम के, मतलब नो वन वॉज रूलिंग प्रॉपरली, इट वॉज ओनली नेम सेक के हाँ हमारा राज्य में कोई राजा है, लेकिन एक्चुअल होता नहीं था. सो वो भी कई एरियाज जहाँ पर सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग ही रूल चलता था कि नहीं वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट एक्चुअल में होते नहीं थे, तो वो सारे एरियाज भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू डलहौसी पॉलिसी. इस तरह से उसने काफ़ी एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर कर दिए. देन उसके बाद बींग एन इम्पेरियलिस्ट, डलहौसी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट. डलहौसी को चेंजेस में भी बिलीव था, वो काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा था, काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए. द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई थाने इन 1853 AD, वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, दैट इज़ अ टेलीफोनिक सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा were all introduced during his tenure. He passed law to ban child marriage and advocate widow remarriage.
अब उसने पॉलिसी ऑफ एनेक्शेशन से काफ़ी एरियाज अपने अंडर किए. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए इंडिया के एनवायरनमेंट में. आई कैन से इंडिया के काम करने के तरीकों में काफ़ी चेंजेस लाए. सबसे पहला चेंज कि ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853. आफ्टर दैट ही इवन स्टार्टेड विद वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. दैट मीन्स और ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लियर हो चुका था इंडिया और इंग्लैंड का. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए कि लोग अपना काम करें और लोग अपनी कंप्लेंट्स वगैरह बताएं. इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में बहुत ज़रूरी था क्योंकि इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और ब्रिटिशर्स इंग्लिश ही बोलते थे. कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता था कि व्हाट न्यू पॉलिसीज आर मेड बाय इंडिया मेड बाय ब्रिटिशर्स एंड दे सिंपली एग्री ऑन दोज पॉलिसीज अंडर प्रेशर. सो डलहौजी थॉट टीचिंग इंग्लिश विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. सो ड्यूरिंग हिज टाइम ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इवन स्टॉप्ड चाइल्ड मैरिजेस, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाना वो भी उसने स्टॉप करवाया. और विडोज की रीमैरिज करने का भी उसने रूल बनाया कि जो भी मतलब विधवा, विडोज मतलब विधवा जिनके हस्बैंड डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो लोग भी दोबारा शादी कर सकते हैं. फाइनली ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल्सो. ओके, विद इन 100 ईयर्स फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लाजी इन 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपेंडेड. दैट इज़ ये जो 1757 को बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था उसके बाद 100 ईयर्स तक काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था ब्रिटिशर्स इंडिया में. ओके, बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस अ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड दिस वॉज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट स्ट्रगल एज इंडिपेंडेंस इन 1857 AD. मैनिफेस्टेड मतलब शोज. ओके, सी 100 ईयर्स लगे ब्रिटिशर्स ने अच्छा स्ट्रगल किया और फाइनली इंडिया के काफ़ी एरियाज़ को उन्होंने कैप्चर किया. बट ये 100 ईयर्स के बाद ब्रिटिशर्स को ये भी लगा कि कहीं ना कहीं इंडियंस आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर स्टिल डिससेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ ब्रिटिशर्स. एंड इसका प्रूफ तब मिला जब 1857 में पहला स्ट्रगल दिखाई दिया गया इंडिपेंडेंस पाने का, फ्रीडम पाने का पहला स्ट्रगल दिखाई दिया गया. वो वी स्टडीड लास्ट ईयर इन हिस्ट्री अबाउट मंगल पांडे, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल. ओके, तो 1857 में फाइनली ब्रिटिशर्स को भी ये प्रूफ हुआ कि इंडियंस कैन रेज वॉइस अगेंस्ट देयर रूल. ओके, नाउ दिस वॉज रिगार्डिंग वेलेस्ली, कि वेलेस्ली किस तरह से काम कर रहे थे उसके बारे में है. ओके, नाउ टू टॉपिक्स इन दिस लेसन इज लेफ्ट आउट. वन इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी एंड सेकेंड इज सॉरी वन इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी. ओके, इकोनॉमिक मतलब अर्निंग बेस एंड सेकेंड इज सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी. सोशल इम्पैक्ट दैट इज सोसाइटी बेस, किस तरह से लोगों का रहन सहन था कंपनी के रूल में. एंड द लास्ट इज कंक्लूजन. सो वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल ऑल्सो गिव यू क्वेश्चन आंसर्स टू राइट फॉर दिस लेसन. यू हैव टू मेक SS नोटबुक सेपरेटली and you have to write answers of these questions in that. But before that, I want you people to go on reading this lesson from first onwards till where I have finished. Okay, see that you please go through these lesson, this all these all points, and understand about policy of annexation and subsidiary alliance properly. Okay, remaining part of the lesson we will cover up in our next video.
ओके एंड नेक्स्ट वीडियो. सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.